तो देखिए किस तरह से जुबानी जंग है, ये भी देख लीजिए। हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा भी रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा था कि कंस की औलाद, और उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने उनको याद दिलाई, पलटवार किया। लेकिन लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि क्या गुजरात में विकास के मुद्दे पर चुनाव होगा, ये प्रश्न चिन्ह है। सुनिए सर प्रतिक्रिया। भारतीय जनता पार्टी जो विश्वास पूरा करो, गुजरात ने समग्र देश में पहला नंबर ले गया, एनु गौरव ए गुजरात की जनता ना धन्यवाद ली। आ यात्रा आया तो नरेंद्र मोदी जी ना विजन अने एमना परिश्रम थी आज काश्मीर थी कन्याकुमारी अने आसाम थी लई गुजरात सुधी समग्र देश आज विकास ना रस्ता पर आगर बढ़ी रहे छे, एनु गौरव छे। 6-7 घंटे की बिजली देते हैं और वो भी इतनी महंगी देते हैं। अभी वहां पे भाई साहब बता रहे थे कि 5-5 हजार रुपए महीने का बिल उनको देना पड़ता है, नया कनेक्शन नहीं मिलता है, कई कई सालों का वेटिंग लिस्ट है, और वो 6 घंटे जो आती है उसमें भी पावर कट लगता है। मेरे को याद है पिछले 2014 के चुनाव के पहले बीजेपी के नेताओं ने दिल्ली भी आए, उत्तर प्रदेश भी गए, जब चुनाव लड़ रहे थे लोग, पूरे देश में जा जाके उन्होंने छाती चौड़ी करके बोला गुजरात में बिजली जाती है, यहां पे बिजली आती है तो न्यूज बनती है। अब मेरे को पता चला यहां पे तो बिजली जाती बहुत है। बिजली पानी को फिर से शामिल करते हुए अरविंद केजरीवाल, गोपी खांगर हमारे साथ जुड़ी हुई है, अशोक सिंघल दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अशोक, मैं आपसे संबंधना चाहूंगा, हर पार्टी विकास का दावा और दम करती है कि उनकी पार्टी ने ही विकास कराया है, और गुजरात मॉडल की भी चर्चा होती है, लेकिन क्या इस विधानसभा में विकास मॉडल को लेकर चुनाव होंगे इस विधानसभा चुनाव में गुजरात के अंदर? देखिए बिल्कुल विकास मॉडल को लेकर चुनाव मैदान में उतरी है, और पिछले लगातार 27 साल से बीजेपी की वहां सरकार है, और नरेंद्र मोदी जितने दिन भी मुख्यमंत्री रहे मॉडल की बात की, उसी मॉडल के तहत ही वो केंद्र में प्रधानमंत्री भी बने। बीजेपी हमेशा से, बाकी मुद्दे तो रहते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ विकास मुद्दा रहता है, किसी भी प्रदेश का चुनाव हो, देश का चुनाव हो, विकास के बाकी मुद्दे भी रहते हैं, कई तरह के समय करते रहते हैं, और आप देखें टिकट भी जो बांटे जाते हैं वो भी कास्ट इक्वेशंस, तमाम फैक्टर्स काम करते हैं, रीजनल इक्वेशंस हैं, कास्ट इक्वेशंस हैं, तो तमाम चीजों को देखते हुए तो एक मुद्दा चुनाव में पिछले हर चुनाव से मुद्दे इस बार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना चैलेंज वाला है, पहले और अब में गुजरात की चुनौती बड़ी? नहीं, गुजरात हर चुनाव किसी भी पार्टी के लिए बड़ा होता है और चैलेंज होता है, बीजेपी के लिए भी, चाहे गुजरात का चुनाव है, हिमाचल का चुनाव है, दोनों जगह बीजेपी को लगता है कि दोबारा से सत्ता उनकी आए, सरकार उनकी बने, और हिमाचल में रिपीट किया जाए जो अभी तक रिपीट नहीं हुई है, कभी भी की भी सरकार दोबारा रिपीट नहीं हुई, और गुजरात में तो बीजेपी के लिए, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री वहां से आते हैं, अमित शाह वहां से आते हैं, और कहा जाता है कि पिछली बार भी जब इतनी टाइट सिचुएशन थी, नरेंद्र मोदी आखिरी के 2 दिन सड़क पर निकल गए थे, कैंप लोगों के बीच थे, तो चीजें बदल गई थी, और सत्ता में मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी और उनका भाषण अपने आप बहुत सीटों पर फर्क डाल देता है और समीकरण को चेंज कर देता है, गेम चेंज कर देता है। एक छोटा सा सवाल गोपी से, गोपी आम आदमी पार्टी दावा तो कर रही है कि 90-95 सीटें जीत लेगी और लोग और शायद उनको ज्यादा सीटें दे दे, लेकिन ये हवा हवाई दावे सिर्फ नजर आ रहे हैं, जमीन पर क्या है? देखिए जमीन की बात करें तो आम आदमी पार्टी जिस तरीके से लगातार कैंपेनिंग कर रही है और गुजरात में खास करके जिस तरीके से फ्री की रेवड़ी की बात कर रही है, तो वैसे में अब सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि अगर ये जो देखिए पहली बार ऐसा हो रहा है कि 182 सीट पर कोई तीसरी पार्टी सारी टिकटों पे लड़ रही है, तो वैसे में ये भी दिलचस्प होगा गुजरात के लिए देखना कि क्या होता है। और वैसे में अगर आम आदमी पार्टी का इम्पैक्ट जो है, क्योंकि जितना भी फ्री की बात देने की बात हो रही है, अगर वहां की बात की जाए तो अगर ये लोअर मिडिल क्लास पे इसका इम्पैक्ट आता है तो कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है वो कांग्रेस का जो वोट बैंक कहा जाता है उसको शायद इसका इम्पैक्ट होगा। लेकिन अगर ये अर्बन इलाकों में जो जो मिडिल क्लास है उस पर इसका इम्पैक्ट अगर देखा जाता है तो ये बीजेपी को डैमेज कर सकता है, ये फिलहाल जो जानकार है वो मानते हैं। चलिए ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा कि भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में आती है या फिर कुछ और यहाँ पर खेल हमें देखने को मिलता है।